नमस्कार। तो आप क्या जानना चाहेंगे कि छूने मात्र से शरीर में एसिड और एल्कलाइन की कैसी अवस्था है आप बता सकें, और क्या आप जानना चाहेंगे शरीर का लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन या किडनी कैसा काम कर रही है मात्र हाथ लगाकर आप बता सकें? जी हां, आज बताऊंगा मैं आपको स्पर्शन डायग्नोसिस का यूनिक तरीका। यह आरोग्य पीठ का स्पेशल तरीका है और आप जानेंगे स्पर्शन डायग्नोसिस में कैसे ऑर्गन के फंक्शन को जान पाए। दूसरा, डायग्नोस का महत्व क्या होता है, क्यों जरूरी होता है डायग्नोस, न्यूरोथेरेपी के डायग्नोस की विशेष बात क्या है, और साथ ही बताऊंगा मैं आज आपको आरोग्य पीठ ने डायग्नोसिस में क्या विशेष चीजों को खोजा है। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं डायग्नोस का महत्व क्या है। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि हथौड़े, किसी चैन को तोड़ने के लिए हथौड़े बहुत मारे, लेकिन एक हथौड़ा मारा चैन टूट गई। अलग अलग कितने भी हथौड़े मारते रहो चैन नहीं टूटी, लेकिन मात्र जहां एक हथौड़े की जरूरत थी वही हथौड़ा मारा चैन टूट गई। यही होता है डायग्नोस के, हथौड़ा कहां मारना है। ढेर जगह तुक्के मारते रहो वो नहीं, जहां सटीक निशाना लगाना। इलाज में सबसे ज्यादा महत्व, यानी इलाज का महत्व है, उपचार का महत्व है, लेकिन उपचार से भी ज्यादा बड़ी महत्व की बात है डायग्नोसिस यानी निदान। आज कोरोना आया, सारी दुनिया में आया, सारी दुनिया एक ही चीज में समझ नहीं पा रही, इसका निदान क्या है, डायग्नोसिस क्या है, आखिर रूट कॉज कहां है, कहां पर हथौड़ा मारा जाए, तब वैक्सीन बनेगी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, कितने सारे फ्लूडिन हैं, चमगादड़ भी है और कोरोना से पीड़ित रोग भी हैं, लेकिन फिर भी वैक्सीन क्यों नहीं बन पा रहा है, उसकी बड़ी बात है डायग्नोस पूरा प्रॉपर नहीं होगा, निदान पूरा प्रॉपर नहीं होगा। उसके रूट कॉज को जब तक नहीं जानेंगे तब तक वैक्सीन का कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करता है, सिर्फ तुक्के में लगा सकते हैं। इसीलिए एक चिकित्सक को, एक इलाज करने वाले व्यक्ति को डायग्नोस ठीक से करना ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए डायग्नोस का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत बार आपने देखा होगा पेशेंट को कोई सी दवाई देते रहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस नहीं था उसको भी टीवी की दवाई दे दी और किडनी फेल होकर बंदा मर गया, डायग्नोस ठीक नहीं हुआ था। और जैसे ही अगर किसी का डायग्नोस ठीक हो गया तो मौत के मुंह से भी निकाल करके एक छोटी सी गोली उसको बचाने का बहुत बड़ा कारण बन जाती है। केवल पेट के किलो की दवाई दी, हार्ट पेशेंट नॉर्मल हो गया, कैसे हो सकता है, डायग्नोस। तो डायग्नोस बड़ी चीज है। न्यूरोथेरेपी का यूनिक डायग्नोस क्या है, तो न्यूरोथेरेपी स्पर्श डायग्नोस की बहुत यूनिक टेक्निक न्यूरोथेरेपी में है। कैसे है मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले लीवर को कैसे चेक किया जाए, किडनी के फंक्शन को कैसे जाना जाए, एसिड एल्कलाइन के फंक्शन को कैसे जाना जाए, बहुत बड़ा डायग्नोसिस है, लेकिन छोटा सा जादू आपको उस डायग्नोसिस का बताऊं। आइए देवी, आपको हम चेक करके यहां पर दिखाएंगे, आप यहां बैठ जाइए, इस पर बैठिए। देखिए यहां मैं आपको बता रहा हूं न्यूरोथेरेपी का वो यूनिक डायग्नोसिस, आज तक दुनिया में इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले लोग बहुत ज्यादा नहीं है। मैं आपको उस सिद्धांत के बारे में बता रहा हूं, एसिड और एल्कलाइन, अर्धनारेश्वर का सिद्धांत जो हमारे यहां है शरीर में जबरदस्त परिवर्तन कर देता है। अगर एसिड और एल्कलाइन पता चल जाए तब आप बहुत कुछ रात और दिन को बैलेंस कर सकते हैं। शरीर में एसिड एल्कलाइन इंबैलेंस, तो किडनी के फंक्शन को हम देख रहे हैं, किडनी कहां पर है, तो ये जो हमारी रिब्स हैं, ये जो हमारी रिब्स हैं, तो लास्ट वाली रिब जो आती है यहां स्पाइन के पास, लास्ट वाली रिब ये स्पाइन के पास जहां आती है, जहां ब्रेजियर फीमेल्स बांधती हैं उसके जस्ट साथ में, यहां पर स्पाइन ये रीड है, इसकी जगह यहां किडनी है पीछे। आप केवल मात्र ऐसे हल्का प्रेशर दबाया
चार उंगलियों से राइट साइड में और ठीक उतने ही अंतर पर लेफ्ट साइड में दबाया, स्पर्श डायग्नोस। तो राइट दबाया और लेफ्ट दबाया, लेफ्ट एसिड है यानी लेफ्ट लेफ्ट किडनी है, राइट राइट किडनी है। राइट साइड में अगर तकलीफ है तो अल्कलाइन बढ़ा हुआ है, लेफ्ट साइड तकलीफ है तो एसिड बढ़ा हुआ है। केवल किडनियों के डायग्नोसिस से जानकारी दे दी। अभी मैंने किडनी का एक ही तरीका बताया आपको, एसिड और अल्कलाइन। किडनी खराब है या ठीक है या कितना फंक्शन कर रही है, यह डायग्नोस भी स्पर्श करके किया जा सकता है। केवल ये दोनों किडनी के डायग्नोसिस मैंने बताए। रिप्स, रिप्स में स्पाइन के दो अंगुलीधर और दो अंगुलीधर, ये किडनी का डायग्नोसिस है। अब मैं आपको बताता हूं किडनी का दूसरा डायग्नोसिस, एसिड अल्कलाइन का। थोड़ा उधर आ जाए और मेरे पास यहां पर चीनी की तरफ करें। आप सोच सकते हैं स्पर्शन डायग्नोसिस का यूनिक तरीका, बहुत गजब तरीका आपको बता रहा हूं। जो मैंने पीछे से एसिड अल्कलाइन चेक किया उसी का एडवांस वर्जन है। राइट ये लेफ्ट फोर्थ फिंगर और राइट फोर्थ फिंगर ये और ये, राइट में चेक किया तो, लेफ्ट में चेक किया तो एसिड अधिक है और राइट में अगर चेक किया तो एल्कलाइन अधिक है। केवल यहां दबाने से, यहां दबाने से एसिड और एल्कलाइन का रेशो पता चल सकता है। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं अब लीवर कैसे चेक किया जाए। देवी लेटना है आपका, एक तरफ कर लीजिए पैर का सर। अब मैं आपको बता रहा हूं लीवर, लीवर शरीर का बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है। वैसे तो सारे ऑर्गन महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन है। शरीर में सबसे ज्यादा काम करने वाला एक ऑर्गन अगर है तो वो लीवर है। ध्यान रखना सारे केमिकल्स का स्टोरेज लीवर में होता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी लीवर ही करता है। मेटाबॉलिज्म भी देखता है, तब साथ साथ बॉडी के टेम्परेचर को देखता है, साथ में टॉक्सिन्स को भी मारता है। जो ऐसे बैक्टीरियाज आते हैं उन सबको भी परास्त करने का काम करता है। और वो फैटी है कि नहीं है आप जानना चाहेंगे कि वो लीवर फैटी है कि नहीं है? कैसे जानेंगे? आओ मैं आपको दिखाता हूं लीवर को चेक करने का तरीका। ये जो हमारी रिब्स हैं, ये जो यहां रिब्स, जहां हमारी ये रिब शुरू होती है, ऐसे रिब शुरू होती है जहां मैंने पीछे देखा था रिब्स, और ये नाभि है यहां। तो रिब्स और नाभि के बीच में ये जो एरिया है राइट साइड में, ये लीवर का एरिया है। केवल यहां चेक करने हैं, ऐसे चेक करना है, और ऐसे चेक करने के साथ साथ आपने सिर्फ ऐसे देखना है नाभि से इधर वाले एरिया में, टच किया, पूछा दर्द है क्या, थोड़ा दबाया दर्द नहीं है, ज्यादा दबाया दर्द है क्या, थोड़ा दबाने पर अगर दर्द है या ज्यादा दबाने पर दर्द है या बिल्कुल भी दर्द नहीं है। आपने इधर भी देखा और इधर भी देखा, अगर यहां दर्द है इसका मतलब लीवर ठीक नहीं है। फिर ये जो रिब्स के साथ साथ अगर हम नीचे तक आए, यहां नाभि के इधर अगर हम इसको देखेंगे, यहां अगर आपका दर्द है तब लीवर फैटी है। ऐसे पैर मोड़कर भी इसको चेक कर सकते हैं। पैर ऐसे मोड़ने के बाद यही ये जो रिब्स है, ये रिब्स के साथ ऊपर टच करने पर, यहां ऐसे टच करने पर, अगर यहां रिब्स के साथ, जहां रिब्स का जो मेन स्टर्नम वाला रिब है, बीच वाला रिब है, उसके थोड़ा इधर अगर ऐसे चेक करेंगे, थोड़ा ऐसे जांचेंगे, दर्द है इसका मतलब गॉल ब्लैडर में स्टोन या गॉल ब्लैडर में तकलीफ है। मात्र इतना टच करने से तब ये गॉल ब्लैडर, लीवर, पैनक्रियाज कितना फंक्शन कर रही है, स्प्लीन कैसा काम कर रही है, स्टमक कैसा काम कर रहा है, इंटेस्टाइन का काम कैसा है, राइट और लेफ्ट ओवरीज का काम कैसा है, यूट्रस का काम कैसा है, यूरिनरी ब्लैडर का काम कैसा है, ये सारे टच करने मात्र से जाने जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। और इसी प्रकार से न्यूरोथेरेपी के साथ साथ आरोग्य पीठ का यूनिक तरीका क्या है डायग्नोसिस का, ध्यान रखना। आरोग्य पीठ जो ट्रेनिंग देता है उसके अंदर
केवल स्पर्शन नहीं, दर्शन डायग्नोसिस भी करता है। इसके बारे में आपको अगली बार बताने वाला हूं, आज नहीं, दो दिन बाद। दर्शन डायग्नोसिस, देखने मात्र से क्या आप पहचान सकते हैं इस व्यक्ति को बीमारी क्या है? जैसे अगर कोई व्यक्ति आ रहा है लंगड़ा कर आ रहा है, एक पैर को खिचड़ रहा है, हाथ भी ऐसे है, तो आप तुरंत बता देंगे क्या इनको पैरालिसिस है? लेकिन क्या आप ये बता सकते हो कि इस व्यक्ति को स्लिप डिस्क हो गई है? क्या बता सकते हो ऑस्टियोपोरोसिस है? क्या बता सकते हो इस व्यक्ति को इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है? या आप बता सकते हो फीवर है? केवल देखने मात्र से कितनी सारी बीमारियों को आप बता सकते हो। उसने पेशाब किया था, पेशाब कर रहा था वहां दूर, लेकिन आपने तुरंत बता दिया अरे इसको ये तकलीफ है। उसने थूका, देखा केवल आपने, थूकते हुए आपने बता दिया ओ इसको तो ये तकलीफ है। आपने सिर्फ चेहरा देखा, आपने सिर्फ आंखें देखी, आपने सिर्फ नाखून देखे, केवल देखा दूर से या नजदीक से, डायग्नोस करके बता दिया। ऐसे अनेक सारे डायग्नोसिस आरोग्य पीठ की अपनी यूएसपी है, डायग्नोस करने के तरीके। तो ध्यान रखना, डायग्नोस ट्रीटमेंट से ज्यादा जरूरी होता है। निदान अगर है तो उपचार बहुत जबरदस्त हो जाएगा, नहीं तो तुक्का मारते रहेंगे, बादरी बनेगी। हो सकता है ठीक भी हो जाए और हो सकता है नहीं भी हो जाए, बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा मैं उदाहरण दे रहा हूं। आप अपने हाथ में एक फूल रखिए, मत रखिए हाथ में, आप, मैं आपको बोल रहा हूं, आप अपने बारे में सोचो। आप किसी एक फूल के बारे में, जो मैं आपको बोल रहा हूं, आप कोई भी एक फूल है उसका नाम लिख लो या सोच लो, किसी एक फूल के बारे में सोचो। अब मैं आपको बताऊं आपने क्या सोचा, तो मैं यहां पर आपको लिख करके दिखा सकता हूं आपने क्या सोचा। गुलाब, क्योंकि 90% लोग गुलाब ही सोच, फूल का मतलब गुलाब ही सोचते हैं, कोई फूल गोभी नहीं सोचता है। लेकिन अगर फूल गोभी सोच लिया है तो बता पाएगा क्या व्यक्ति? कमल सोच लिया है तो बता पाएगा? गेंदा सोच लिया है, चमेली सोच लिया है? तुक्का मारना एक अलग बात है, लेकिन सच में जानना बहुत बड़ी बात है। आरोग्य पीठ की यही यूएसपी है, सच में जानकर जबरदस्त बताते हैं। तो जैसे मैंने आज आपको बताया किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन, ऐसे ही हार्ट को चेक करने के तरीके भी है, सारे ऑर्गन्स को चेक करने के तरीके हैं, आपकी मसल्स को चेक करने के तरीके हैं, आपके बोन की कंडीशन को जानने के तरीके हैं। यूनिक डायग्नोसिस है आरोग्य पीठ का। इसीलिए आज मैंने आपको बताया, अगर आपको चीज पसंद आई हो तो अपने मित्रों को शेयर करिए, क्योंकि ये मैंने आपके लिए बताई है। आज वक्त ऐसा है, हर व्यक्ति को जानना चाहिए समस्या क्या है, छिपी हुई चीज क्या है, आपको जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए। आप दूर से देख करके बता दें व्यक्ति को, एक्सरे करने की जरूरत नहीं है, और आप दूर से बता दें ओ इसको तो ये तकलीफ है, मजा आएगा ना। केवल आंखों को देखकर, केवल उंगलियों को देखकर, केवल दांतों को देखकर, केवल जीभ को देखकर, केवल फेस को देखकर अगर आप समझ जाएं और आप बता दें, और सच में बता दें जो है वही बता दें, तुक्का नहीं, तब आप बाकी लोगों के लिए कैसा महत्व रखते हैं ये बहुत बड़ी बात है। लोग आपको कैसे देखेंगे, आपको जानने का तरीका क्या होगा, आपको देखने का नजरिया लोगों का क्या होगा, और आपको खुद को अपने को देखने का क्या नजरिया होगा। इसलिए आरोग्य पीठ का डायग्नोसिस यूनिक डायग्नोसिस है, मैंने आपको उसको एक कड़ी बताई। आप इसी प्रकार से रोज जानिए, और मैं आपको निवेदन करूंगा, आरोग्य पीठ ऑनलाइन ट्रेनिंग इस समय दे रहा है, डिजिटल ट्रेनिंग इस समय दे रहा है। जिस समय लॉकडाउन है, जिस समय सारे लोग घरों में बंद है, या ट्रीटमेंट कराने के लिए जाना बहुत मुश्किल है, रोजगार इस समय छूट रहा है लोगों का, बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरियां छूट रही है, तब आरोग्य पीठ आपको एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। डायग्नोस के साथ साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग भी करिए, मात्र 4 महीने के अंदर भारत सरकार से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट की ट्रेनिंग आपकी हो जाएगी, सरकार से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट की ट्रेनिंग आपको हो जाएगी। आप कहीं भी काम को शुरू कर सकते हैं, आरोग्य पीठ के साथ भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा वक्त है, ऐसा मौका है, आने वाला समय न्यूरोथेरेपी का है, इसीलिए आप किसी भी उम्र के व्यक्ति हो, किसी भी प्रोफेशन के व्यक्ति हो, न्यूरोथेरेपी आपको आनी चाहिए। जैसे दहेज में ना लड़की को कुछ देते हैं, आज लड़की को न्यूरोथेरेपी देनी चाहिए, क्योंकि वो बहू सबसे अच्छी
जो सास के घुटने का दर्द ठीक कर सके, वो बहू सबसे अच्छी जो ससुर की कमर दर्द और पति की गर्दन दर्द ठीक कर सके। सोचिए, आज बड़ी आवश्यकता है ना दवा, न साइड इफेक्ट और ना ही बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट। इसीलिए तुरंत ऑनलाइन आज आज और आज ही रजिस्टर करिए, क्योंकि आजकल लॉकडाउन ऑफर भी चल रहा है, इस ऑफर का लाभ उठाइए। तो आज इतनी बात, अगली बात फिर से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज और अभी रजिस्टर करें हमारे डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम में और एक एक कर जाने वो सारे रहस्य जिससे बदलेगा आपका जीवन और आपका भविष्य। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। हमें बताते हुए ये बेहद खुशी हो रही है कि 70% डिस्काउंट के साथ 1000 एडमिशन हमारे सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं। इसी खुशी में और कोर्स की भारी डिमांड को देखते हुए हम दे रहे हैं आपको सुनहरा अवसर। डिजिटल पाठशाला के अगले 100 एडमिशन को आरोग्य पीठ दे रहा है 70% डिस्काउंट। पर याद रहे, यह छूट पहले 100 यूजर्स के लिए ही है। जल्दी करें और अभी करें, आज ही अपना नाम रजिस्टर कराएं। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।